आगरा के होटल जेपी पैलेस में 8 और 9 अक्टूबर को आगरा आर्किटेक्ट एसोसिएशन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में आयोजन समिति द्वारा 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के पोस्टर का विमोचन किया गया। आगरा के होटल जेपी पैलेस में 8 और 9 अक्टूबर को टाउन प्लानिंग पर चर्चा करने के लिए देश भर से तकरीबन 350 वास्तुकार जुटने जा रहे हैं। एमजी रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में संस्थापक एवं अध्यक्ष शशि शिरोमणि व संस्थापक सचिव सी एस गुप्ता ने बताया कि होटल जेपी पैलेस में आर्किटेक्ट एसोसिएशन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर गोल्डन आर्च 2022 पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के विभिन्न प्रांतों के वास्तुकार शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि स्टाइल आर्किटेक्ट और लग्जरी आर्किटेक्ट के नाम से मशहूर मुंबई के प्रेमनाथ भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे, जिन्होंने भारत का पहला मॉल, रिवॉल्विंग होटल, हरित आवासीय इमारत बनाई थी। चेन्नई से कंजर्वेशनल आर्किटेक्ट नलिनी ठाकुर भी भाग लेंगी। अध्यक्ष अश्विनी शिरोमणि ने कहा कि जो नए शहर बसे हैं, वहां आप पता नहीं लगा सकते कि आप किस शहर में, जबकि आगरा के पुराने शहर से आप मुगलिया और जयपुर की बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ देखकर बता सकते हैं कि आप पिंक सिटी में हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश के कोने कोने से आ रहे आर्किटेक्ट टाउन प्लानिंग को लेकर अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। आगरा सिटी 9 न्यूज के लिए देवेश दीक्षित की रिपोर्ट। आगरे में उस समय 10-12 आर्किटेक्ट हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर के इस संस्था की स्थापना की थी, इसलिए कि आप जनता का आर्किटेक्ट के प्रति रुझान बढ़े, जानकारी बढ़े और जो भवन निर्माण तेजी पर था उसमें जनता को किसी प्रकार का भ्रम और नुकसान न हो। खुशी की बात है कि 50 वर्षों में हमारे चाहते हुए आगरा में 3-3 कॉलेज खुल गए, जहाँ छात्र छात्राएं आर्किटेक्चर की ट्रेनिंग ले रही हैं। आगरा वास्तुशास्त्र का एक बहुत बड़ा केंद्र है, ताज इसका एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इस वर्ष हमारी आगरा आर्किटेक्ट एसोसिएशन को 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं स्थापित हुए, तो उसके उपलक्ष्य में हम एक गोल्डन जुबली फंक्शन कर रहे हैं, जिसका हमने नाम दिया है गोल्डन आर्च 2022। और ये जो हमारा कार्यक्रम है, इसमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्री शशि शिरोमणि जी और संस्थापक सेक्रेटरी श्री सी एस गुप्ता जी भी हमारे साथ आज हैं और उन्हीं के सम्मान में हम ये एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के करीब 200 आर्किटेक्ट्स के तो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 100-150 आर्किटेक्ट्स का ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होने वाला है। इसके लिए हमने 2 दिन की एक कार्यशाला रखी है, जिसमें हमारे 6 स्पीकर्स जो बॉम्बे से, दिल्ली से और जगह जगह से आ रहे हैं, जो अपने क्षेत्र में बड़े माहिर हैं, उनकी स्पीच होगी और एक बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन भी लगाई है, जिसके अंदर जो जो नए मटेरियल्स और चीज़ें हमारे देश में और विदेश से आ रही हैं, उनकी आम पब्लिक को जानकारी मिलेगी। और ये एग्जीबिशन आम जनता के लिए भी ओपन है, कोई भी आके देख सकता है और जो हमारे सेशंस होंगे उनमें भी पब्लिक आके बैठ सकती है और हमारे आर्किटेक्ट से अपने जो सवाल जवाब हो वो कर सकती है। इस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश से लोग आ रहे हैं, देश का मतलब उत्तर प्रदेश के अलावा बेंगलोर से भी आ रहे हैं और बाहर से विदेश से भी हमारे दो एंड वो आ रहे हैं जो आर्किटेक्ट्स हैं। और इससे पहले ये कहना चाहूँगा कि 50 वर्ष किसी एसोसिएशन को कंटिन्यूस चलाना, बिना गैप के चलाना, हर एक अल्टरनेट ईयर में एग्जीबिशन करना, कॉन्फ्रेंस करना, ये बहुत आसान कार्य नहीं था। लेकिन हमारे दूसरों के सहयोग से, जो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं इसमें, इस एसोसिएशन में, उनके सहयोग से हम ये सब काम कर पाए हैं। और पूरी उम्मीद है कि जो हम ये 50वां साल बना रहे हैं और जो हम कॉन्फ्रेंस जेपी पैलेस में कर रहे हैं, ये पूरी अच्छी तरह से सक्सेसफुल होगी। और इसमें 250 से ज़्यादा तो हमारी रजिस्ट्रेशन है ही है, उससे ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि ऑन दी स्पॉट कई लोग आ पाते हैं, क्योंकि सब लोग बहुत बिजी हैं, तो बिजी होने के कारण कई बार उनका प्रोग्राम बिल्कुल एंड में बनता है, तो आते हैं तो ऑन दी स्पॉट भी हमारे रजिस्ट्रेशन होने हैं। और ये 2 दिन की हमारी कॉन्फ्रेंस है।
प्रीमियम क्वालिटी सम्राट केसरी सुपारी, जिसके जायके में है सुगंध और भरपूर ताजगी का एहसास।